साथ में जब हम लोगों ने कल बात किया था डिमांड एंड सप्लाई का, ठीक है, तो डिमांड एंड सप्लाई में हम लोगों ने ये बात कही थी कि जब हम जोन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, व्हेन वी विल ड्रॉ जोन, ठीक है, जब हम लोग जोन को ड्रॉ करेंगे तो हमें कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि FVG, जिसके ऊपर आप लोग अपना प्रैक्टिस कर चुके, तो FVG का आप मेरे को टेंशन नहीं है, ठीक। दूसरा जो सेक्शन है वो है आपका इम्बैलेंस का, वो भी आपको देखना आ गया, तो इसका भी आप मेरे को टेंशन नहीं है, ठीक। तीसरा जो एक चीज है वो है पिवोट ब्रेक। क्या है पिवोट ब्रेक? इसको कुछ लोग बॉस भी बोलते हैं गाइस, BOS भी बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, बट आप यहाँ पर पिवोट ब्रेक बोल सकते हैं, या इसका एक और पैरेलली नेम है रीसेंट हाई यो और रीसेंट लो ब्रेक। क्या? रीसेंट हाई और रीसेंट लो ब्रेक, ठीक है, इन सब का मतलब एक ही है। नेक्स्ट वन पिवोट के बाद में हम लोग ने फिर एक चीज और ध्यान देना है, जो कि आपका है डिजिटल लाइन, डिजिटल लाइन, और इसी में से एक और लास्ट प्रॉक्सिमल लाइन, ठीक है, क्या है प्रॉक्सिमल लाइन, ठीक है। तो अभी मैं आपको पूरा एक जोन को ड्रॉ करना सिखाता हूं, ठीक है, मैं आपको एक पूरा जोन को ड्रॉ करना सिखाता हूं, और उसके बाद में हम लोग इसके टाइप्स ऑफ जोन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ डिमांड सप्लाई के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ओके, यहां तक सबको क्लियर है? एवरीवन क्लियर टिल नाउ? और आज बाकी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, गलत बात है। सर सर एक यस क्वेश्चन है सर, भाई बोलिए। ये इम्बैलेंस और FVG दोनों एक ही है क्या सर? बिल्कुल है मेरे भाई, दोनों, जैसे जब देखो जहां पर इम्बैलेंस होगा वहीं पे एफवीजी का क्रिएशन होगा, है ना, जहां पर जी इम्बैलेंस होगा नहीं वहां पर एफवीजी क्रिएशन नहीं होगा। तो इम्बैलेंस आप पहले देखोगे, उसके बाद में आपको एफवीजी देखना है। तो अगर आपको इम्बैलेंस दिख रहा है, इसका मतलब कि वहां पर एफवीजी का ऑलरेडी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है सर, हाँ बोले। जैसे लेगआउट कैंडल कल देखे थे अपन, तो हाँ ठीक है। उसका जो प्रीवियस जैसे बेस कैंडल छोटा होना चाहिए, उसके बाद वाला जो कैंडल है जिसमें से हम FVG निकालते हैं, वो कैंडल के लिए कोई कंडीशन है क्या सर? छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना नहीं चाहिए? नहीं 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 उसके लिए कोई खास कंडीशन नहीं है आपकी, उसका बस आपको लोअर विक को देखना है जी, कि नीचे वो का। हम हाँ कि वो हमारे बेस कैंडल के पास में, बेस कैंडल के हाई से टच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर टच हो रहा है तो हमारे लिए वो इम्बैलेंस नहीं है, अगर टच हो जी गया, अगर नहीं टच हुआ तो हमारे लिए फेयर वैल्यू का। क्लियर? जी सर, जी ठीक है सर। ग्रेट, ठीक है। तो गाइज यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, अब हम लोग बस एक नाम और समझते हैं यहाँ पर। यहाँ पर गाइज एक लाइन होता है, ठीक है, हम लोग जब जोन को ड्रॉ करेंगे तो हमको दो लाइंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जिसमें से एक जो होती है वो होती है डिजिटल लाइन, डिजिटल लाइन, और जो दूसरी होती है वो होती है प्रॉक्सिमल लाइन। ठीक। अच्छा डिजिटल का मतलब अगर हम लोग यहां समझे तो डिजिटल का डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस यानी कि दूर, ठीक है, क्या दूर, और प्रॉक्सिमल का मतलब आप ऐसे बोल दो पास, ठीक है। मैंने इसको रटने के लिए या याद करने के लिए मैंने कुछ मेथड बनाए थे, वही प्रॉक्सिमल मतलब पास बना दिया था और डिजिटल मतलब दूर। तो इसको यूज कैसे करेंगे, दूर किससे? करंट प्राइस से, ये बस हमको ध्यान रखना है, करंट प्राइस से, जो भी मार्केट का करंट प्राइस चल रहा होगा उससे, और ये वाला भी करंट प्राइस है, दोनों की केस में लोग करंट प्राइस से समझेंगे, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, एक जोन को ड्रॉ करके दिखाता हूं, वहां से आपको क्लैरिटी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। लेटर सपोज यही है हमारा केस है, ठीक है, यही हमारा केस है, मैं यहां पर ये जोन को हटा देता हूँ, इस तरह से मैं हटा देता, ठीक। अब हमने आपसे कल ये कहा था कि सबसे पहले आपको क्या देखना है, एक बड़ी कैंडल देखनी है, ठीक है, बिग कैंडल, फिर आपको क्या देखना है, उसका इम्बैलेंस देखना है, ठीक है। तो हमने देखा कि हाँ यार ये जो है वाली कैंडल ठीक ठाक अच्छी है, हमने फिर देखा कि इम्बैलेंस है या नहीं, हमने कहा भाई
बड़ी कैंडल भी है, मैंने अच्छा लेआउट है, इम्बैलेंस भी है। तो अगर इम्बैलेंस है तो नेक्स्ट स्टेप क्या बना, एफबीजी को ढूंढने के लिए। क्या वहां पर एफबीजी भी है? यस एफबीजी है। क्यों? इसका लो और इसके हाई के बीच में ये गैप है, इसका मतलब यहाँ पर एफबीजी अवेलेबल है। तो अब हमारा एफबीजी को भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ठीक है, एफबीजी को भी हमने फाइंड कर लिया। नाउ अब हमारा काम बच गया जोन को ड्रॉ करने का, ठीक है, क्या बच गया? जोन को ड्रॉ करने का। तो गाइस आप समझिएगा, जोन को ड्रॉ करने के दो तीन तरीके होते हैं, ठीक है, जोन को ड्रॉ करने के दो तीन तरीके होते हैं, जिसमें से अभी मैं आपको एक बताने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए, जो आपका बेस कैंडल है, जो आपका बेस कैंडल है, बेस कैंडल का हाई को आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और बेस कैंडल या इनमें से, चाहे लेगिन कैंडल है या बेस कैंडल है या लेगर कैंडल है, इनमें से जिसका भी प्राइस सबसे लो होगा उस एरिया तक आप मार्क कर लीजिए। ये आपका बन गया डिमांड जोन, ठीक है। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, अभी मैं गाइस फिर से एक बार रिवाइज कराऊंगा, प्रॉक्सिमल डिस्टेंस के ऊपर हम लोग रिवाइज करेंगे, बट पहले एक बार देख लीजिए, ठीक। मेथड नंबर 2 क्या है? जहां से बेस कैंडल अपने बॉडी क्लोज कर रही है वहां से जोन ड्रॉ कर दीजिए, और उसके बाद जो नीचे है सबसे, वो दोनों के लिए कॉमन है, वो दोनों केस में, चाहे आप टाइप 1 यूज करो या टाइप 2 यूज करो, दोनों केस में ये आपका डिमांड जोन कहलाएगा, ठीक है। मेथड नंबर 1 में क्या था? मेथड नंबर 1 में ये था, मेथड नंबर 2 में क्या हुआ? ये ड्राइंग हुई। गाइस क्लियर है? अब इसमें दोनों सही है, ठीक है, इसमें दोनों सही है, लेकिन दोनों का अपना अपना बेनिफिट है। अगर आप मेथड नंबर 2 यूज कर रहे हैं तो मेथड नंबर 2 में क्या होता है कि बेस कैंडल की क्लोजिंग बॉडी की वजह से ये जो जोन है वो छोटा बन जाता है। तो इस केस में जो आपका एसएल होता है वो छोटा हो जाता है, ये इसका बेनिफिट है। लेकिन हर चीज अपने एक बेनिफिट के साथ में एक अपनी कमी भी रखता है। तो कमी क्या है? कमी ये है कि कई बार मार्केट नीचे तो आएगा बट यहां की बजाय ये यहां से ही घूम जाएगा, ठीक है ना। तो एक कुछ पिप्स की वजह से ये आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, क्योंकि प्राइस आया नहीं यहां पे। प्राइस क्या हुआ? प्राइस यहां से ही निकल गई, ठीक है। अब पहले वाले मेथड का बेनिफिट बता रहा हूं, पहले मेथड का बेनिफिट क्या है? मार्केट क्या करती है, आपका जो जोन है एफबीजी है, एफबीजी तो यहीं पे है ना, तो मार्केट कुछ भी हो अपने एफबीजी को 80-90% ऑफ द टाइम फिल करने आती है, ये मार्केट का नियम है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर इंबैलेंस रह गया है, वहां पर ऑर्डर मार्केट का फिल नहीं हो पाया है। ऑर्डर फिलिंग वगैरह क्या है उस पर हम लोग अभी हल्का सा डिस्कशन करेंगे, बट अभी फिलहाल इतना ही समझिएगा, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप का गाइस मतलब क्या है? फेयर वैल्यू गैप का मतलब ये हो गया कि वहां पर जो बायर्स और सेलर्स के बीच में ट्रांजेक्शन जब होती है तब जाके प्राइस ऊपर बढ़ती है या नीचे जाती है। तो जिस प्राइस पे फेयर वैल्यू गैप है, इसका मतलब कि वहां पर जो ट्रांजेक्शन का मैचअप है, मैचअप ऑफ प्राइस, वो कंप्लीटली नहीं हो पाई है, वो कंप्लीटली नहीं हो पाई है, इसी वजह से वो जो गैप होता है इट वर्क्स लाइक अ मैग्नेट। कैसे काम करता है? मैग्नेट की तरह काम करता है। तो मार्केट अगर इसने एफबीजी बना दिया है, मार्केट ऊपर निकल गया, तो मार्केट फिर से उसको दोबारा आएगी अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है ना, 90% ऑफ टाइम आएगा वहां पे, उसके बाद में फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये जो एफबीजी होता है उसको आप एज ए मैग्नेट बोल सकते हैं। और एफबीजी होता क्यों है? जब बायर्स और सेलर का जो ट्रांजेक्शन होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस का मतलब ही क्या हो गया? डिसबैलेंस, यानी कि बायर्स और सेलर्स का जो ऑर्डर फिलिंग था वो प्रॉपर नहीं हो पाया, मैचअप नहीं हो पाया, और मार्केट अचानक से ही जंप कर गई, तो वो स्पेस हमारा खाली रह गया। तो स्पेस खाली रह गया, मार्केट जो इंस्टीट्यूशंस है उसको आकर के पिकअप करेगा, ऑर्डर फिल करेगा, उसके बाद आगे जाएगा, ये मार्केट का नेचर है,
ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में दो केस है, मैंने बताया डिमांड जोन को ड्रॉ करने के लिए जो बेस कैंडल का हाई है हम लोग वहां से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, मेथड नंबर वन। बट इसकी कमी क्या है, इसकी कमी है कि एसएल बड़ा हो जाता है, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेड आपको इसी हाई के आसपास में आएंगे और यहां से उठ जाते हैं, तो ये आपको मल्टीपल एंट्रीज यहां से आपको ज्यादा मिल जाती है।